आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हजार के नोट चलन से बाहर, 2000 के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू। आरबीआई ने बैंकों को दिया खास निर्देश। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव। 29 मई को सपा करेगी बड़ी बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। 2000 के नोट चलन से बाहर, सपा नेता रामगोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया। 2000 के नोट की छपाई में 1500 करोड़ बर्बाद किए। लखनऊ में अवैध अस्पतालों के खिलाफ 6 जून से अभियान। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान। वन विभाग को घंटों मेहनत के बाद मिली सफलता। शारदा नहर से पकड़ी गई दूसरी डॉल्फिन, डॉल्फिन को रेस्क्यू कर सरयू नदी में छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बातचीत की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने 2000 रुपए के नोट के चलन से बाहर करने की आरबीआई की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि कर्नाटक में बुरी तरह से हारे हैं। हम सब पढ़ते थे इतिहास में, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, राजधानी बदली। मोहम्मद तुगलक ने जिस तरह मोहम्मद तुगलक के बारे में जैसे लोग सोचते थे, वही धारणा अब यहाँ के शासकों के बारे में बन गई है। सपा नेता ने कहा 15,000 करोड़ रुपए केवल 2000 के नोटों की छपाई के लिए लगे थे, अब ये दोबारा नहीं छपेंगे, ये केवल हजारों करोड़ों रुपए की बर्बादी है। तो आपको बता दें 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर है, जिसके बाद अब सपा नेता रामगोपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे हजारों करोड़ों रुपए की बर्बादी बताया है रामगोपाल ने। उन्होंने कहा है कि पहले तो इस पर पैसे खर्च किए गए, वही अब इसको बंद किया जा रहा है, जिसके चलते हजारों करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद हो गए हैं। अब इन्हें दोबारा छापा जाएगा, 2000 के नोट की छपाई अब जो है बंद हो चुकी है, वही अब इसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामगोपाल ने कहा है कि ये हजारों करोड़ों रुपए का जो है बर्बादी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, क्या कुछ कहा है रामगोपाल ने? जी सर, आपको बता दें कि जब से 2000 नोट बंद करने का ऐलान किया गया है, सारी विपक्ष पार्टियों ने इस पे जमकर हमला किया। खास तौर से इस पे कई जो विपक्ष के नेता उस पर टिप्पणी भी किए हैं। वही आपको बता दें कि जो सीएम के जो दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने तो खास तौर पे ये कहा कि पहले मोदी जी तो कहते थे कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और फिर अब नोट बंद करें, तो ऐसे तमाम जो प्रतिक्रिया अलग अलग नेता अपने दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव ने 2000 नोट के धन से बाहर करने का आरबीआई को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि कर्नाटक में बुरी तरह से हार गए हैं और इसीलिए ये सब वो कर रहे हैं। आप बता रहे कि सब हम सब पढ़ते थे इतिहास, दिल्ली के दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, राजधानी बदली, मोहम्मद तुगलक, जिस तरह से मोहम्मद तुगलक के बारे में जैसे लोग सोचते थे, वही धारा अब यहाँ शासकों के बारे में बन गई है। सपा नेता कहा कि 1500 करोड़ रुपए केवल 2000 के नोट छपाई के लिए लगे थे, अब ये दोबारा नहीं छपेंगे, ये केवल हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर देंगे। तो आप आपको बता दें कि आज जो है, आज के 2000 का जो नोट है उसको बदल सकते हैं आज से लेकर 30 सितंबर तक। तो जब से ये आरबीआई ने घोषणा किया है कि 2000 का नोट अब बंद हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार बहुत खत्म हो सकता है, तो
तब से जितने विपक्ष पार्टी है उससे पूरे केंद्र सरकार पे हमला बोल रही है, उससे प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो सुहानी, हर रोज हर किसी ना किसी विपक्षी पार्टी से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कई लोग इसके विरोध में दिख रहे हैं तो कई लोग इसके समर्थन में दिख रहे हैं। जी सर, वही आपको बता रहे हैं कि जब से 2000 का नोट बंद करने का आरबीआई ने घोषणा किया है, तब से विपक्ष पार्टी से दम के हमला बोले। दत्तात्रेय को ये कहना है कि जब से कर्नाटक चुनाव बीजेपी हारी तो कहीं ना कहीं वो बौखला गई है, और कुछ ऐसी सुविधाएं लग जैसे सी संसद भवन का भी निर्माण होने जा रहा है 28 तारीख को, उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, तो ये सीधे भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है। तो ये जब जो मुद्दा आ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए पूरा घेराव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 2000 का नोट बदला है उसपे जो विपक्ष पार्टी है उसको भी मुद्दा बना रही है, संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसको भी मुद्दा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो चीजें जो भी घूम रही है 2024 लोकसभा चुनाव की भी जब भी सारी विपक्ष पार्टियां इस पे घेर रही है, तो ये 2024 चुनाव का जो नोट बदल रहा है और आज जो बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महासचिव है वो साफ सतराम गोपाल यादव ने इस पर टिप्पणी की है कि 2000 का नोट का जो घोषणा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो गरीब को तनाशाही है, गरीब को लूटने का है। और भाजपा सरकार जब से अपना आई है केंद्र सरकार राज्य सरकार में, तब से वो सिर्फ जो छोटे तबके के लोग हैं उनको सिर्फ लूट ही रही है। तो कहीं ना कहीं ये 2000 का नोट जो है वो काफी एक मुद्दा बन गया है इसपे लेके। लेकिन आपको बता रहे साफ तौर पर कि कुछ लोग इसपे जो है इससे जो जनता है उससे भी हमने बात किया, तो जनता का ये कहना है कि छोटे तबके के लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो नेता है जो बड़े लोग है उनको इससे ज्यादा कठिनाई हो सकती है। जी सर, जी सुहानी, जैसा कि आपने कहा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर 2024 को साधने का प्रयास करेगी विपक्ष पार्टी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम फिर से बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए। अब संगीत सोम ने दावा किया है कि यूपी की सभी अवैध मजारें ध्वस्त की जाएंगी। उन्होंने ये दावा उत्तराखंड में अवैध रूप से बनी मजारों पर हुए एक्शन के बाद किया है। दरअसल उत्तराखंड में ऑपरेशन बाजार में अवैध रूप से बनी 400 से ज्यादा मजारों को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब यूपी में बीजेपी के नेता भी अवैध मजारों पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने मुजफ्फरनगर पहुंचे फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम ने कहा कि यूपी में जितनी भी अवैध मजारे हैं सबकी सब ध्वस्त की जाएंगी। उसी के खिलाफ मैं 30 तारीख को जन यात्रा निकाल रहा हूँ। मुझे लगता है कानून 2024 से पहले आना चाहिए। एक भी अवैध मजार नहीं बचेगी, जो भी होगी ध्वस्त की जाएगी और जरूर की जाएगी। साथ कलीम जुड़ चुके हैं, तो कलीम क्या कुछ बयान दिया है संगीत सोम ने? जिस तरीके से जो संगीत सोम है बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहे हैं ये लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन जो इनका बयान इस बार आया है ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में अवैध मजारों को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी जिसमें जो है कई मजारे 400 से अधिक जो मजारे हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने एक जो बड़ा बयान दिया है, ये एक बयान को लेकर के फिलहाल अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन एक बड़ा बयान जो इन्होंने दिया है जो मजारों को लेकर के जो आस्था को लेकर के, क्योंकि तो लोगों की आस्था मजारों से जुड़ी होती है, मंदिरों से जुड़ी होती है, जो मजारों पर जाते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं, उन आस्थाओं को लेकर के जो इनका एक बड़ा बयान आया है कि जो मजारे हैं उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं चूर भी पकड़ सकता है। लेकिन जो बीजेपी विधायक ने इस तरीके का जो बयान दिया है ये एक बड़ा बयान है, लेकिन उस जो मामले में कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी वो इस कार्रवाई जो 2024 का चुनाव है उससे पहले ही इस पर एक्शन दिया जाएगा, लेकिन इस बयान के बाद क्या कुछ एक्शन होता है ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल उत्तराखंड की जो कार्रवाई है उसी कार्रवाई के तर्ज पर यूपी में भी इस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में बड़ी बात ये है कि अभी तक किसी भी धर्म गुरु की बात की जाए या फिर किसी बड़े मौलानाओं की बात की जाए उनकी तरफ से अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर कार्रवाइयां होती हैं तो इस पर एक विरोध भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कली।
कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इरफान सोलंकी की 50 करोड़ की संपत्ति पुलिस जल्द ही सीज कर देगी। इसके साथ ही दूसरी बड़ी कार्रवाई, इरफान समेत 8 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट तैयार हो गई है, पुलिस अफसरों का पैनल समीक्षा कर रहा है। 2 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। इसके साथ ही अगले महीने इरफान सोलंकी को कभी भी कोर्ट सजा सुना सकती है। महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर है। कानपुर पुलिस ने अभियोजन के साथ खड़े होकर के समय से सारी गवाहियां पूरी हो जाए और क्वालिटेटिव मैनर में हमारा पूरा अभियोजन का कार्य हो, जैसा कि हमने विवेचना भी बड़े क्वालिटेटिव मैनर में किया था, इस पे हमने कार्य किया है और हम आश्वस्त हैं कि न्यायालय इस गंभीर प्रकरण में सजा देगा। और जहाँ तक समय सीमा का सवाल है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने और उसका निस्तारण करने की समय सीमा माननीय उच्च न्यायालय ने दी थी। उस समय सीमा के भीतर हम लोग प्रत्याशा रखते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर ये परिणाम अंतिम रूप से सुनवाई का आ जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। तो अनिल, अब 50 करोड़ की जो संपत्ति है वो इरफान सोलंकी की सीज करने की बात कही जा रही है, वही अब और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उन पर? एक आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी के ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके तहत उनको जेल भेजा गया था। साथ ही जब एक कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद इरफान सोलंकी के ऊपर ताबड़तोड़ इसी तरीके से कार्रवाई जारी थी, और जिसके तहत इरफान सोलंकी के ऊपर गैंगस्टर भी लगाई गई थी। इरफान सोलंकी के साथ इनके भाई रिजवान सोलंकी भी थे, जिनके ऊपर गैंगस्टर लगाई गई थी। इनके समेत लगभग 7 से 8 लोग थे और सभी के ऊपर गैंगस्टर लगा दी गई थी। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी का समय इतना खराब चल रहा है कि लगातार उनकी परेशानियां और उनके पीछे पड़ी हुई है। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई हो रही थी, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई में कुल 6 महीने का समय दिया गया था, और 6 महीने में लगातार पुलिस अपनी तरफ से सारे भी उनके वकील और पुलिस की तरफ से जितने भी सबूत थे सब समय समय पर कोर्ट के सामने समक्ष भेज दिए हैं। अगर इरफान सोलंकी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की विदायगी भी जा सकती है। जी, कहीं ना कहीं अब कोर्ट की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर है कहा जा रहा है, तो क्या कुछ सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकल कर आ सकता है? जी, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी के खिलाफ सबूत मिले हैं और कहीं ना कहीं ये सब कोर्ट में विचाराधीन मामले हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 महीने का समय दिया गया था जब से इरफान सोलंकी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, और अगले जून में इरफान सोलंकी के पूरे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो कोर्ट हो सकता है इन पर आदेश सुना सकता है, और आदेश सुनाने के बाद यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी विदायगी चली जाएगी, यदि दोषी नहीं पाए जाते तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर मामले में इनको बड़ी रिहाई मिल सकती है। जी, जैसा कि आपने कहा, अब हो सकता है कि उनकी विधायकी भी चली जाए। वही इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कमल। लखनऊ में चल रहे अवैध निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के खिलाफ 6 जून से 20 जून तक विशेष अभियान चलेगा। सीएमओ ने ग्रामीण और नगर के सभी CHC प्रभारियों से उनके इलाके में धड़ल्ले से चल रहे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम से जानकारी मांगी है। वही अवैध अस्पतालों को सील करने के साथ ही संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों गोसाईगंज इलाके में बने अस्पताल में मासूम का गर्भपात कराया गया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और अवैध तालों को सीज करवा दिया गया था। वहीं संभल में कोतवाली बहजोई के नगर पालिका में SDM और EO ने पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर चलने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दुकानदारों ने अपना स्थायी और अस्थायी लगा हुआ अतिक्रमण सपेटना शुरू कर दिया। वहीं दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखा। साथ ही SDM ने पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही और जिसने भी फिर से अतिक्रमण किया उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रोड साइड में जो अवैध रूप से दुकान के आगे सामान रखा हुआ है उसे हटाया जा रहा है ताकि रोड को बाधित ना हो, आवागमन बाधित ना रहे, वही अतिक्रमण हटाया गया है। और टेम्परेरी रूप से जो आगे कर लेते हैं रोड का कब्जा, उन लोगों के लिए लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है बाधित ना करें।
सर कई जगह नौजुकी भी की गई है और उनका आरोप है दुकानदारों का, आपने नोटिस वगैरह नहीं दिए उसे पहले हटाना है क्या? दुकानदार को पक्के निर्माण के लिए नोटिस दिया जाएगा, लेकिन टेम्पररी रूप से जो सामान आगे रखा हुआ है उसे हटाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुबारक अली जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, ये आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दूं, जनपद संभल के बैजोई नगर पंचायत का पूरा मामला है और इसमें नगर पालिका की नगर पंचायत के और एडीएम जो सब वहाँ पर लगे पड़े थे और उसमें काफी व्यापारियों ने विरोध करा था और पुलिस से भी रुझान हुई थी। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद मुबारक। वही पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के सहरामऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के संचालन और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पूरनपुर छोटी लाइन की ट्रेनों को पीलीभीत से मैलानी बंद कर दिया गया था और बड़ी लाइन का काम शुरू हो गया था। काफी समय से मैलानी से सहगढ़ तक रेलवे ट्रैक कम्प्लीट है और ट्रेन संचालक को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, उसके बावजूद भी समस्या का सामना करने पर लोग मजबूर है। ट्रेन बंद होने से व्यापार पर भी काफी फर्क पड़ा और लोग डग्गा मार वाहनों पर सफर करने पर मजबूर हैं। इसी को लेकर आज क्षेत्रीय लोगों ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन कर मेलानी से सहगढ़ तक ट्रेन चलाने और सहरामऊ स्टेशन का नाम बदलकर जोगराजपुर रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। 5 साल हो गए जी, इंतजार करते करते इंतजार घड़ियां खत्म हो गई, जब एकदम फिर से पानी ऊपर हो गया तो फिर क्या करें। ये ट्रेन चलाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब ट्रेन बंद हुई थी तब ये कहा गया था अमान परिवर्तन का काम 2-3 साल में पूरा हो जाएगा, और खास बात यह है कि सागढ़ तक पूरा भी हो गया, कई बार जांच हो चुकी, सियारत भी हो चुकी, सब कुछ हो गया, लेकिन रेल विभाग नहीं जाग रहा। अब उन्होंने एक बहाना बना दिया कि माला जंगल में कहीं कुछ अधूरा काम है, क्या है। तो ये रेल विभाग की जिम्मेदारी है, अगर माला तक अभी नहीं चला पा रहे, कोई वाहन पीलीभीत तक नहीं चला पा रहे हैं, तब तक सागढ़ तक चला दें। जो ट्रेन हमारी मैलानी खड़ी होती है उस ट्रेन को 1 घंटा पहले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। तो अमित, ये ट्रेन का काम पूरा ना होने के चलते लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपको बताते चले, ये पिछले 5 वर्ष से ये कार्य चल रहा है, इसके चलते लोगों में ग्रामीण जो 94 गांव पड़ता है उसके उन लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जहाँ से पीलीभीत 70 किलोमीटर पड़ती है, जिसके बाद में डग्गा मार वाहन अपने मनमाने वसूली करते हैं और मनचाहे पैसों से अपना किराया वसूल करते हैं, जिसके कारण ये लोग मजबूर 20 किलोमीटर की यात्रा तय करके पीलीभीत पहुंचते हैं और मनमाने पैसे जो ऐड रहे हैं ये डग्गा मार वाहन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब ट्रेन जब बंद हुई थी, छोटी ट्रेन बंद हुई थी, बड़ी ट्रेन का दावा किया गया था, तो ट्रेन विभाग ने बोला था कि लगभग 2-3 वर्ष में पूरा काम कर देंगे। हालांकि नए साल पे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद में फिर उन्होंने बंद कर दी, जिसके बाद में पूरा 1 साल गया, अभी भी ट्रेन चालू नहीं की गई है। और इसके चलते बराबर ग्रामीण लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, कुछ ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। रेल विभाग को लापरवाही बरती दी जा रही है, क्योंकि ग्रामीण अधिक परेशान लग रहे हैं, क्योंकि इसके चलते काफी उनकी जेब से पैसा भी खर्च हो जाता है, क्योंकि पीलीभीत में पहुंचने के लिए उन्हें 3 जगह वाहन चेंज करना पड़ता है। पहले वो गढ़वा से पूरनपुर पीलीभीत, पूरनपुर से पीलीभीत पहुंचते हैं, इसीलिए वो काफी परेशान, 94 गांव के लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। ये 5 साल होने को जा रहे हैं, लगभग दावा किया था 3 साल के अंदर जो ट्रेन है सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। तो अमित, अब लोग जो है परेशान होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, वही उनकी क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो धरना प्रदर्शन पर बैठे, साथ ही ये ट्रेन का नाम बदलने को लेकर वे क्या कुछ कह रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ पे दो सहरामऊ पूर्वी और उत्तरी लगते हैं, एक शाहजहांपुर में चला लग जाता है और दूसरा पीलीभीत में आता है, जिसके चलते पीलीभीत वालों ने कहा है कि जो क्या बोलते हैं इसको, एक ट्रेन इसका नाम चेंज करने के लिए बोला है, सहरामऊ की जगह जोगराजपुर करने के लिए बोला गया है। जी ठीक है, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद अमित। वहीं देवरिया जेल
से एक महिला कैदी को तबियत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां अस्पताल में स्ट्रेचर ना मिलने पर पुलिसकर्मी महिला को चटाई पर लिटाकर इलाज के लिए ले गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। महिला कैदी कुशीनगर की रहने वाली है। दहेज उत्पीड़न के मामले में वह 17 मई को जेल भेजी गई थी, जिसके बाद महिला को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और उसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। बुलंदशहर में एक पीड़िता महिला लगातार कोतवाली देहात और एसएसपी से न्याय की मांग कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा। पीड़िता महिला ने बताया कि पति द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पति ने उसे घर से भी निकाल दिया है। पीड़िता महिला को 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया और अपने बच्चों के साथ महिला दर दर भटक रही है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात की नई मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सर, मेरे हस्बैंड ने तीसरी शादी कर ली है मुझसे बिना बोले तलाक लिए। मेरे को पता भी नहीं था वो इन्होंने शादी कर ली। इस मामले से आई हूँ और मारपिटाई करके मेरा मकान पकान सब अपने नाम करवा लिया। इसमें हस्बैंड कहाँ का? हस्बैंड सैनिक द्वार के। कहाँ पड़ता है ये? यूनिक मैरिज होम के पास सैनिक द्वार है, वहाँ पर पड़ता है। वहीं इरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन कस्बे स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पुल के नीचे कुछ दबंगों ने कानपुर से दिल्ली जा रही विकास नगर डिपो की रोडवेज बस के आगे 2 कार लगाकर बस को रोका और बस के कंडक्टर को बस से खींचकर बेरहमी से पीटा। बस में सफर कर रही महिला सवारियों ने दबंगों को मारपीट करने से रोका तो उन्होंने सवारियों के साथ भी अभद्रता की। मौके पर पहुंची उमरेन चौकी की पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद परिचालक को दबंगों के चुंगल से उछुड़ाया। परिचालक ने पुलिस को बताया कि दबंग उसके साथ से टिकट मशीन और पैसों का थैला छीन ले गए, जिसमें करीब 16,000 रुपए थे। बस में सफर कर रही सवारियों ने बताया कि एक युवक कानपुर से बैठा था और रास्ते भर परिचालक और सवारियों के साथ अभद्रता करता रहा। घटना की सूचना पाकर औरैया जनपद के कई थानों की पुलिस और पीएससी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और रोडवेज बस के चालक परिचालक तथा बस की सवारियों से घटना की जानकारी ली, जिसके बाद आरोपियों के घर दबिश दी गई। आरोपी घर से फरार हो गए। वहीं आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है भैया? नीता। नीता, कहाँ से बैठी थी आप? याकूपुर से। रोडवेज बस पे? हाँ जी, रोडवेज जी। कैसे, क्या घटना हुई, किसके साथ मारपीट हुई? कंडक्टर साहब। और भी सवारियां थी क्या? और सवारी थी ना जी, सारी सवारी थी, बहुत भरी थी बस जी। तो क्या ये बैग एक्ट का जो मामला आया कि बैग लूट लिया और कंडक्टर का जो मशीन थी, क्या क्या घटना है? बैग एक्ट छीन लिया, मारपीट कर रहे थे ना। कितने लोग थे? भैया क्या नाम है आपका? आसिम मोहम्मद, परिचालक विकास नगर डिपो। वाहन संख्या UP 77N1498 को लेकर कानपुर से किसनी दिल्ली जा रहा था। रास्ते में उमरेन हाईवे पुल के नीचे 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ियों ने आगे से वाहन को रोककर हमारे साथ अभद्रता की। वह हमारा कैश बैग मशीन छीनकर भाग गए। वह सवारियों के साथ कैसे ये हादसा हुआ? कहाँ से सवारी बैठी थी आपके पास? सवारी कानपुर से एक यात्री बैठा था, पहले पिदूना का टिकट लिया, पिदूना के बाद फिर उमरेन का टिकट बढ़वाया और उसी ने फ़ोन करके सभी को बुलवाया। ये किस जगह के हादसा है? उमरेन हाईवे पुल के नीचे का वारदात। हाईवे पुल। और भी सवारियां थीं क्या? सर, ये अभी देर रात शाम को एक कानपुर डिपो से बस चली थी, जिसमें एरवा कटरा में उमरेन चौकी क्षेत्र में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें काफ़ी सवारियां भी इस बात की कह रही। क्या मामला है सर? इसके हम लोग मौके पर आए हैं और जो बस आई थी आपके पीछे खड़ी है, उस बस के परिचालक और परिचालक जो हैं जी, उनसे बात हुई। उनका बताना है कि ये जो बस पहले कानपुर विकास में डूबे डिपो चली थी और दिल्ली जा रही थी, उसमें एक सवारी बैठे थे जो यहीं के रहने वाले, औरैया के रहने वाले, खासतौर से वहीं लखनऊ में सेलिब्रेशन मैरिज लॉन के 4th फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग देख 3rd माले पर चल रहे गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और गर्ल्स हॉस्टल में लग रही सभी लड़कियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। सेलिब्रेशन मैरिज लॉन थाना वजीरगंज लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
वहीं खदरा के मदीगंज क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की। युवक का आरोप इससे पहले भी दबंग मारपीट कर चुके हैं। मदीगंज थाने में पीड़ित युवक दबंगों के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुका है। वहीं मारपीट के बाद युवक के सर में गंभीर चोट भी आई। युवक के परिजन का कहना है कि दबंगों ने मारपीट के बाद घर में बमबाजी भी की। बमबाजी के बाद घर के दूसरे मंजिल में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मदीगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरा नाम है मोहम्मद गुफरान। क्या हुआ था यहाँ कल रात में? उन लोग चार दिन पहले का झगड़ा है, मैसन ने हमको हमें मारा था। कोई बात नहीं थी मेरी, उन्हीं ने हमको मारा था। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन अपनी दी थी, तो मैसन लोग चार दिन से मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि एप्लीकेशन अपनी वापस लो वरना तुम्हें जान से मार डालेंगे। और आज अभी रात में जो उन लोग मारने आए थे तो मैं हट गया था, यहाँ से भाग गया था। उसके बाद मैं ऊपर छत पे सो रहा था, उन लोग आ गए यहाँ हमें मारिन, उसके बाद कैसे तैसे हम भाग गए। ये पता नहीं सर पे कुछ मार दिन वो लोग हमें जान से। वहीं कौशाम्बी में पांच दिन पहले छात्रा को लिफ्ट देकर सुनसान अर्धनिर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। वहीं उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपी आधी रात के बाद बाइक से ओसा की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर SOG और मंझनपुर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देख वह ओसा नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। थोड़ी ही दूर पर वह नियंत्रित होकर बाइक सहित गिर गया। पुलिस को अपनी तरफ आता देख फायरिंग भी की। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चला दी। गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी है। पीड़िता के पिता ने अज्ञात रेपिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए, ये 18 मई को थाना मंझनपुर पर एक अभियोग दुष्कर्म का लिखा गया था, जिसपे एक बच्ची जो 7th क्लास की छात्रा है वो जब अपनी स्कूल से वापस आ रही थी तो उसको घर के बाहर से एक युवक जो अज्ञात था वो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गया था और एक सुनसान जगह पे उसके साथ दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई थी। इस पर थाना मंझनपुर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। क्योंकि ये घटना अज्ञात थी इसलिए इसमें CCTV फुटेज की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से उसकी पहचान की जा रही थी। जो हमारी टीम लगी थी उसने जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर इस व्यक्ति की। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 की मुरलीधर सोसाइटी में पत्नी ने तंग आकर एक पति से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अपने घर में पत्नी और 5 महीने के बच्चे के साथ रह रहा था और उसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आपकी सोसाइटी में एक युवक ने सुसाइड किया है फांसी लगाकर, क्या है, क्या मामला है, क्या नाम है उनका और पता चला क्या किस लिए किया है? सर, उनका नाम कपिल है, कपिल बंसल। अभी ये तो नहीं पता कि क्या नाम है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। बाकी हमें तो पता चला था जब हम नीचे आए थे तो पुलिस वाले आए हुए थे, तभी हमें पता चला। ऊपर जाके देखा तो उन्होंने शीशा हटा के अंदर से कुंडी खोल के फिर अंदर गए तो वो उन्होंने अपना सुसाइड किया हुआ था, फांसी लगा रखी थी। कब से रह रहे थे फ्लैट? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। कहिए, और क्या करता है? मेरा भतीजे का लड़का था और काम था तो दोनों भाई अलग अलग रहते थे। तो हमें कोई घंटे भर पहले सूचना मिली कि भी ऐसे ऐसे भतीजे के भाई ने सुसाइड कर लिया है, तो हम फटाफट पहुंच गए यहाँ। क्या नाम है इसका जिसने सुसाइड किया? मोनू। क्या नाम है आपका? शेखर बंसल। शेखर, अभी तो कारणों को पता नहीं चला, ये अपना इसका अपना बिजनेस अलग है, बड़े भाई का अलग है। मुझे तो अभी एक घंटे पहले फ़ोन आया था मेरे बेटे का कि पापा फटाफट घर पहुँचो, वहाँ पे मोनू भाई ने कुछ कर लिया है, कपिल कहते हैं वैसे से। तो यहाँ के देखा तो पुलिस भी आई हुई थी, बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है यहाँ पे। यहाँ के पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा कर किया। फांसी लगाई उसने, तो कुछ से पता नहीं चल पाया, कुछ ही पता नहीं लगा। तो शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा है, बच्चा है उसके, एक लड़की है। हाँ, की घटना है क्या? IT का मामला है, शाम के समय
ईआरवी सुसर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, एक लड़के ने अपने फ्लैट के अंदर सुसाइड कर ली है। इस सूचना पर मैं और मेरे असिस्टेंट साहब वो मौके पर पहुँचे हैं। पहुँचने पर देखा कि इसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था, जो पब्लिक की मदद से उसको दरवाजे को शीशा हटाकर खोला गया तो देखा तो ये फांसी का फंदा पंखे को लटका के लटका हुआ था, उसको उतारा जब तक इसकी मौत हो चुकी। क्या नाम है और क्या करता है? ये फर्नीचर का काम है, शहर में इसका अच्छा फर्नीचर का काम है। दो भाई एक बहन, सभी लोग शादीशुदा। वही हरदोई में सरिया लाद कर ले जा रहे बेकाबू ट्रैक्टर खाई में पलट गई, जिसके चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि सांडी थाना क्षेत्र के आदमपुर के पुरवा शीतेपुर के पास ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरा। इस बीच ड्राइवर कूद कर वहां से भाग निकला। वहीं मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां क्षेत्र से होकर निकली शारदा नहर में 72 घंटे से जारी रेस्क्यू के बाद आखिरकार दूसरी डॉल्फिन को खनवाहा गांव के पास से निकाल लिया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन को सरयू नदी में छोड़ दिया। देवा क्षेत्र से होकर निकली शारदा नहर में 3 दिन पूर्व ग्रामीणों को इब्राहिमपुर गाँव के पास 2 डॉल्फिन दिखी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। शनिवार को एक डॉल्फिन पकड़ में आ गई थी। दूसरी डॉल्फिन के लिए लगातार रेस्क्यू चला। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे खनवाहा गांव के पास मादा डॉल्फिन पकड़ी गई। इस डॉल्फिन की लंबाई 6 फीट 3 इंच बताई जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी मयंक सिंह ने बताया कि डॉल्फिन को पकड़कर सरयू नदी में छोड़ दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर विकास भवन के प्रेरणा सभागार में प्रदेश और जनपदीय मेरिट में चयनित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को डीएम ने सम्मानित किया। डीएम और सीडीओ ने 15 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित चिन्ह, प्रमाण पत्र और बुके देकर सम्मानित किया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज क्लान की छात्रा आकांक्षा यादव ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं राज मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज की छात्रा श्रेयसी सिंह ने हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में 3रा और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विकास भवन के सभागार में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जनपद के जो प्रदेश स्तर के टॉपर हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो टॉपर्स हैं, तीनों तरह के बोर्ड में, हमारे यूपी बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई में और इवन संस्कृत बोर्ड में जिन लोगों ने बच्चों ने टॉप किया है, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया है। एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जनपद के लिए, जो इन बच्चों की वजह से डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन हुआ है। इन सभी बच्चों को बधाई दी गई, पेरेंट्स को बधाई दी गई और उनको प्रेरित किया गया कि आगे भी मेहनत करें और अच्छी उच्च सेवाओं में आगे जाएं। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां प्रसिद्ध बाबा आनंदेश्वर मंदिर द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आरती के साथ साथ आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी रहे, साथ ही कानपुर के विभिन्न मंदिरों में महंत उपस्थित हुए। वहीं सभी लोगों ने गंगा आरती की और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन आनंदेश्वर मंदिर के महंत इच्छागिरी महाराज, महंत अरुण भारती महाराज, महंत विवेकपुरी महाराज। ओम नमो नारायण। मैं महंत इच्छागिरी श्री बाबा आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर से की तरफ से आज 18 मई सायंकाल 7 बजे माँ गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद सत्यदेव पचौरी जी यहाँ उपस्थित रहे और कानपुर नगरी के सभी संत महंत अरुण पुरी जी, जितेंद्र दास जी, महंत कृष्णदास जी, महंत उदितानंद जी सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। जूना अखाड़े के माध्यम से एवं मायरा एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कार्यक्रम की भव्यता देखते हुए सत्यदेव जो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी बाबा आनंदेश्वर के
मौसमी बदलाव के चलते मौसम विभाग ने आज से लू से राहत मिलने के आसार जताए हैं। जहां मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश होने के आसार हैं और ये स्थिति आगामी 27 मई तक बनी रह सकती है। वहीं सबके बीच प्रदेश में झांसी सबसे गर्म शहरों में शुमार रहा। बता दें कि यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि आगरा में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, अब मौसम करवट ले रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो सुहानी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।